कैसे दिखेगा, क्या होगा, बिकॉज आज तक मैंने सुना तो नहीं गरुड़ के बारे में या कोई स्टोरी है या कुछ भी नहीं. सो आई हैड नो आइडिया, मैं सोच में चला गया. बट व्हेन वी स्टार्टेड शूटिंग, मुझे जब धीरे धीरे ब्रीफ किया गया, पता लगा कि ये शो है, इसमें ऐसे दिखाया जाएगा. सो आई थिंक मेरी एक्साइटमेंट बहुत ऊपर गई. एक एक्साइटमेंट होती है जो आप फील करते हो बट एक्सप्रेस नहीं कर पाते हो. तो आई थिंक मेरी एक्साइटमेंट वो है जहाँ पर मुझे फील हो रही है बट आई कांट एक्सप्रेस. आई एम सो हैप्पी कि एक अनकही कहानी गरुड़ की जिसको दिखाने के लिए मुझे चूज किया गया. सो आई एम ऑनर्ड, यू नो, आई एम सो हैप्पी, ग्रेटफुल. सो यू नो, परफेक्ट शो, परफेक्ट लाइन पर मुझे मिला है और ऑनेस्टली मैं उड़ रहा हूँ. और भी उड़ोगे जब ऑडियंस देखेगी ये शो को, आसमान को आप छुएंगे. और इसको कहते हैं मैनिफेस्टेशन एज वेल. वेल, इतनी निर्दयी कैसे हो सकती है कोई बहन अपनी बहन के लिए. तो अपने आप में ही नाम सुन लीजिए, नागो की महारानी, महारानी कदरू. जब उनकी एंट्री भी होती है तो ऐसा लगता है कि वाओ, मतलब मेरा वॉक से लेके, मेरा एटीट्यूड से लेके एंड मेरा टच आउट हिंदी में इतना प्रॉब्लम नहीं आया है ना, श्लोक बोलने में आया है. ये सब मुझे फॉलो करते हैं श्लोक के लिए, तो मैं हिंदी में बात करती हूँ. इन लोगों को भी सिखाना पड़ता है मुझे. माँ हम आपको हर चीज में फॉलो करते हैं, सब ये माँ 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 जरूर बोलेंगे हर एक लाइन पे, लोग मुझे माँ बोलने वाले तो यस, जिसको बोल सकते हैं बहुत 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 ज्यादा ताकत बोलते हैं जिसको, ताकतवर औरत है ये. Yes. देखिए, मुझे तो नहीं लगता कि इतना आदर्श और आज्ञाकारी बेटा आज के जमाने में पॉसिबल है. क्योंकि हम एज ह्यूमंस सेल्फिश कहीं ना कहीं हो ही जाते हैं, जो ये बहुत ही सेल्फलेस है. तो मुझे नहीं लगता, मैंने तो नहीं देखा गरुड़ जैसा बेटा. और मुझे आई एम हैप्पी कि मुझे ऐसा किरदार निभाने को मिल रहा है जहाँ पे मैं एक आदर्श बेटे की माँ हूँ. ऑलराइट, द नाग ब्रदर्स, जी हाँ, अंकित एंड अंगद, इनके लिए भी ताली हो जाएगी दोस्तों. अंकित एंड अंगद उर्फ कालिया एंड तक्षक.